नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर एसएस न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओं ने नगर निगम पर उठाए सवाल। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओं ने आज एक पत्रकार वार्ता में भोपाल नगर निगम पर सर्वोच्च न्यायालय में पीने के पानी की गुणवत्ता पर झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक महीना पहले उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी आपराधिक कृत्य की सबूत के साथ शिकायत की थी, पर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों के तरफ से आज हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हाल में 30 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में भोपाल नगर निगम के तरफ से झूठा हलफनामा पेश किया गया है, जिसका सबूत हमारे पास है। हमने 12 सितंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बारे में शिकायत की है कि प्रदेश के दो अलग अलग प्रयोगशालाओं में अलग अलग रिपोर्ट एक ही पीने के पानी के नमूनों पर दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी आज तक मुख्य सचिव के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं गई। घटना यह है कि यूनियन कार्बाइड के परित्यक्त कारखाने के पास भूजल में प्रदूषण की वजह से करीब 42 बस्तियां प्रभावित पाई गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को यह आदेशित किया था कि इन 42 बस्तियों के रहवासियों को पाइप द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाए। हमारे द्वारा लगातार ये देखा गया कि पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत ख़राब है, उसमें से सीवेज की बू आती है, बदबू आती है, बहुत देर तक खराब पानी निकलता रहता है। इस पर हमारे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में निवेदन प्रस्तुत करने के बाद यह आदेशित किया गया राज्य सरकार को कि पीने के पानी के नमूनों की भी जाँच किया जाए। इसी क्रम में दिनांक 10 अगस्त को भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा 42 बस्तियों से पानी के नमूने इकट्ठे किए गए एवं उसी दिन उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के श्यामला हिल स्थित राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जांच के लिए दिया गया। जांच की रिपोर्ट जब 14 अगस्त को उपलब्ध हुई तो पता चला कि उसमें यह पाया गया है कि जो पीने का पानी लोगों को नगर निगम द्वारा पहुंचाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अत्यंत खराब है। उन जांच के नमूनों में पाया गया कि 70% से अधिक नमूनों में फीकल कोलिफॉर्म मौजूद है, यानी कि जो मल में जो जीवाणु होते हैं वो मौजूद है, और दो नमूनों में तो ये जबकि शून्य होना चाहिए उनकी संख्या 2400 थी, 2400 थी, यानी कि कुल मिलाकर के लोगों को मल जल पिलाया जा रहा है, डाइल्यूट करके मल जल पिलाया जा रहा है इन बस्तियों में। तो जब नगर निगम के अधिकारियों ने 14 तारीख को ये पाया कि रिपोर्ट उनके खिलाफ जा रही है, उन्होंने गुपचुप तरीके से इन्हीं बस्तियों से 18 तारीख को फिर से नमूने चुपचाप इकट्ठे किए और गुपचुप तरीके से अपनी प्रयोगशाला में जाँच करवा कर एक और रिपोर्ट निकलवा दी। जो दिलचस्प बात है कि इस रिपोर्ट में पानी के किसी भी नमूने में फीकल कोलिफॉर्म नहीं पाया गया और फिर इसी रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया, जबकि इसके पहले निगरानी समिति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में गठित की उस समिति के द्वारा जो राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुख्य सचिव को यह ध्यान दिलाया कि यह जो रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है, ये जो इतनी गंभीर बात है, जो लोगों 50,000 से अधिक लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ की बात है, उस गंभीर बात पर इतनी बड़ी अपराध किया गया, क्योंकि अदालत में झूठा हलफनामा पेश करना एविडेंस एक्ट 1971 के अंतर्गत 7 साल तक इसमें सजा हो सकती है कारावास की, और इस तरह का ये आपराधिक कृत्य किया गया उसके सबूत हमने मुख्य सचिव को पहुंचा दिए हैं 12 सितंबर को, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर हमने ये ठाना है कि इस आपराधिक कृत्य की सूचना हम
सर्वोच्च न्यायालय की अगली पेशी में उनके सामने रखेंगे और इसमें जो भी अधिकारी इसके लिए हैं आरोपित जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अधिकतम दंड की हम याचना करेंगे। ठीक है।